हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब तैयार हैं पर्यूषण सीरीज़ की एक और रेसिपी बनाने के लिए? तो चलिए बनाते हैं आज की पर्यूषण सीरीज़ की ये रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी क्रंची राइस पिंडोली, जो कि मैं राइस से बनाऊंगी। ये हम एक मेन कोर्स मील नहीं बना रहे हैं आज, हम ये एक लाइट स्नैक्स बना रहे हैं, जिसको हम ब्रेकफास्ट में या एक अपनी लाइट सी भूख में भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो और बहुत आसान है इसको बनाना, और राइस तो बहुत ही कॉमन फूड है जो सभी घरों में बनता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कप बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल हैं ये। 2 कप मैंने उबले हुए राइस लिए हैं। अब इसमें मैं यहाँ पर 1/2 कप दही डाल रही हूँ, मैं थोड़ा खट्टा दही डाल रही हूँ। कोशिश करें अगर खट्टा दही हो तो उससे टेस्ट इसका अच्छा आएगा और ज़्यादा। इसके बाद अब हम इसमें गेहूँ का आटा डालेंगे 1/4 कप, और 1/4 कप ही मैं इसमें बेसन डालूँगी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ये मैंने साबुत धनिया कूट के सेमी क्रश करके वो डाला है, और 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डाला है, 1/4 टीस्पून ये मैंने ड्राई जिंजर पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पे हम। पर्यूषण में कई बार ऐसा भी होता है कि लंच लेट करने की वजह से इवनिंग में प्रॉपर मील लेने का मन नहीं करता, इतनी भूख नहीं होती है, क्योंकि हम सनसेट से पहले खाना खाना होता है पर्यूषण में। तो उस टाइम पर भी आप इस तरह से ये राइस पिंडोली बनाकर खा सकते हैं, एक प्रॉपर मील भी नहीं है और अच्छी फीलिंग भी करेगा। चाहे तो आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बनाकर खा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा ये रेसिपी बनाना। तो चलिए अब इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैं ये राइस पिंडोली है इसको कोई भी प्रॉपर शेप नहीं दूंगी, अनइवन शेप में ही हम इसको डालेंगे, जिससे कि इसमें काफ़ी सारे एजेस निकल जाएंगे, और वो जब एजेस फ्राई होंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इसमें जो क्रंचीनेस है और अच्छी आएगी। तो राइस पिंडोली हम इसी तरह से बनाएंगे, कोई भी प्रॉपर शेप नहीं देंगे। इसको एक बार फ्लिप कर देते हैं अच्छे से, जब पूरा तेल गर्म हो तभी आप इसको डालें, और डालने के बाद में फिर एक बार इसको मीडियम फ्लेम पे कर दें। इसको इस तरह से टर्न कर लेते हैं। अब ये देखिए प्रॉपर हो गए हैं ये पूरी तरह से। आप चाहें तो टर्न करने के बाद में इसको थोड़ा सा सिम करके और क्रिस्पी करा सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए और क्रिस्पी करने के लिए रख देते हैं। पर ये हो गए हैं हमारे, अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं ये, अब इसको निकाल लेते हैं हमने इसमें किसी भी तरह की, देखिए वेजेस वगैरह यूज़ नहीं करी है, क्योंकि पर्यूषण में हम ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं डाली हैं। ऊपर से सर्व करने से पहले इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे, और अब इसको इस तरह से हम सर्व कर सकते हैं। तो बताइए आपको ये कैसी लगी राइस पिंडोली की रेसिपी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके। और ऐसी रेसिपीज़ और इसके अलावा और बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह से पर्यूषण की और भी रेसिपीज़ डालते रहेंगे। आप YouTube पे मेरी प्लेलिस्ट है पर्यूषण रेसिपीज़ के नाम से, उसमें भी जाके और रेसिपीज़ देख सकते हैं। हैप्पी कुकिंग।